और गाइस उनके अभी फिलहाल 30 मिलियन होने वाले ही है, तो एक बार साहब कांग्रेचुलेशन बोल, कांग्रेचुलेशन बोल दो लिंगराज भाई को यार। लिंगराज भाई कांग्रेचुलेशन, 30 मिलियन हो जाए जल्दी से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस एकदम से अचानक से आज मूड बन गया अजमेर जाने का, मिस्टर इंडियन हैकर से मीटअप करने का। मिस्टर इंडियन हैकर नाम सुनते ही गाइस जोश आ गया होगा अंदर से। गाइस आज जा रहे हैं मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज भाई से मिलने के लिए। तो गाइस मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, तो गाइस बाइक से ही जाएंगे। तो गाइस आना जाना 300 किलोमीटर होगा, तो गाइस चंदन और मैं दोनों जाएंगे आज। गाइस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर लेना आप। तो चलते फिर आज अजमेर। तो गाइस पेट्रोल डलवा देते अपनी बाइक के अंदर, टंकी फुल करवा लेते आज। तो गाइस पेट्रोल फुल डला दिया, टंकी फुल हो गई है और ये देखो फुल। अब चलते हैं गाइस अजमेर। फाइनली गाइस मैं अजमेर पहुंच चुका हूं और यहां से मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई का स्टूडियो गाइस लगभग यहां से स्टूडियो 2 किलोमीटर दूर है। तो गाइस चलते हैं वहां पर। इससे पहले गाइस मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई का धमाका देख लो आप। ये हम हैं, इधर खाई है और ये हमारी कार है। तो गाइज यहाँ पर देखो बारिश का मौसम हो गया है। गाइज मैंने आप सभी को बोला था कि 1K सब्सक्राइब होने के बाद में मैं मिस्टर इंडियन हैकर से मीटअप करने जाऊंगा। गाइज दीपावली से पहले मेरे 1K सब्सक्राइब हो गए थे, बट गाइज दिवाली से पहले मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई बिल्कुल फ्री नहीं थे। गाइज मैंने उनकी टीम से कॉन्टेक्ट भी किया था, उन्होंने बोला कि यहाँ पर फिलहाल रोज की 2 या 3 वीडियो बन रही है। तो गाइज अभी चलते हैं मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने के लिए। गाइज पता नहीं मिस्टर इंडियन हैकर या दिलराज भाई मिलते या नहीं मिलते, कोई आइडिया नहीं है। गाइज पोपट भी हो सकता है। गाइज इस व्लॉग में मिस्टर इंडियन हैकर से मीटअप नहीं भी होगा तो गाइज इसके बाद में कभी और भी मिलूंगा मैं। तो आज फिलहाल देखते हैं वहां पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो गाइज चलते हैं फिर। BSK व्लॉग है अंकल जी। यहां पर मिस्टर इंडियन हैकर का स्टूडियो कितना दूर है? ये वाला रास्ता है, कितना दूर है? पास में ही है। चलो ठीक है चलते हैं। गाइज इसी रास्ते पर दिलराज भाई निकलते हैं और गाइज बारिश भी आने लग गई है, अपन को चाहिए गाइज जल्दी जाना पड़ेगा। बहुत एक्साइटेड हो गाइस, बट क्या होता है कोई आइडिया नहीं है। दिलराज भाई के फैन है आप? कहाँ से हो? मुहामी। मुहामी तो मैंने सुना हुआ है। क्या अंदर नहीं है यहाँ पर? वो उन्होंने पता है क्या पटाखे फोड़े थे? अमित भाई आए थे तब। अच्छा चले अंदर। अंदर चलो चलो। तो अभी तक आपने बेल नहीं बजाया अंदर? बेल बजाया ना। तो बाइक को क्यों नहीं, गेट खुल जाएगा, डांट सकते हैं ना। हाँ यार वो वाकई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना यहाँ की। क्या हुआ? तो गाइज मैं फाइनली मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो के बाहर पहुंच गया हूँ। यहाँ पर देखो इनके फैन खड़े हैं। ये देखो ये भी मिलने के लिए आए थे यहाँ पर। तो बेल बजाते गाइज, देखते हैं आते कि नहीं आते मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई। और बाइक को मैं साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पर साइड में लगा लेता हूँ इसको। तो गाइज मैं अभी फ़िलहाल मिस्टर इंडियन हैकर के स्टूडियो के पास में हूँ, आप देख सकते हो पीछे का। और यहाँ पर देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, ये देखो। और इधर भी देखो मिलने वाले आए थे मिस्टर इंडियन हैकर से, बट गाइज मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई यहाँ पर नहीं है फिलहाल, वो गए दिल्ली।
तो उनके सांसों में प्रॉब्लम है, उनकी सांसों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए दिल्ली गए हुए हैं। यूट्यूब पर गाइस बहुत वीडियो कम डाल रहे हैं। मुलाकात नहीं हुई है और इधर देखो भाई, हम इनसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो आएंगे। अब आएंगे क्या पता, एक बार बोल दो सब्सक्राइब यस के बाद, सब्सक्राइब यस व्लॉग को चैलेंज करें, बहुत जल्दी आएंगे बिट्टा बने। गाइस मैं चमन भैया से मिला हूँ, चमन भाई है टीम मेंबर ही है, उनसे मिला हूँ। दोनों ने बोला कि अंदर परमिशन नहीं है ना अंदर जाने की, बट उन्होंने कैसे भी करके उन्होंने बोला कि यार एक थोड़ा सा बता देता हूँ, अंदर थोड़ा गेट से थोड़ा सा आगे, हाँ थोड़ा सा गेट से थोड़ा सा आगे गया मैं तो उनका पूरा स्टूडियो जो भी था वो देखा मैंने। उनकी कार देखी थी व्हाइट वाली, उन्होंने पूरी अच्छे से भी देखी थी, लेक वाली पास खड़ी थी, तो वो सब देखी गाइस। गाइस मैंने भैया चमन भैया से यही बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा मैं मिस्टर इंडियन हैकर एंड दिलराज भाई से मिलकर ही जाऊंगा। 5-6 दिन होते तो स्टूडियो के अंदर ले सकते, वरना उन्होंने बोला परमिशन नहीं है, वरना मैंने तो थोड़ा सा दिखाया उन्होंने गेट के बाहर से आगे से लिया, बोले बोलते हैं अभी परमिशन नहीं है। तो गाइस तो आप देख सकते हो इधर कुछ है, तो थोड़ा सा आपको स्टूडियो का व्यू बताता हूं मैं आपको, दूर से ही बताता हूँ। अंदर इस वीडियो बनाने की कोई परमिशन नहीं थी, कुल ले ही नहीं रहे। और गाइस उनके अभी फिलहाल 30 मिलियन होने वाले ही है, तो एक बार साहब कांग्रेचुलेशन बोल दो दिलराज भाई को यार, दिलराज भाई कांग्रेचुलेशन, 30 मिलियन हो जाए जल्दी से। भूत वाली वीडियो, हाँ भूत वाली भी है, यहाँ पे तो बनाई थी। तो किसने, मिस्टर इंडियन हैकर, हाँ मिस्टर इंडियन हैकर ने भूत वाली वीडियो इधर से ही तो गए थे, वो दिखाता आपको कुआं वहाँ पे, कहाँ देखो भी हो रहा है वहाँ पे कुआं हो रहा है, इधर चंदन बाइक चला रहा है करके लकड़ियाँ वो पड़ी है, वो बनाया था ना होल, कहाँ पर वो बनाया था ना इन्होंने, वो क्या पानी के अंदर जाके हो क्या बनाया था, टैंक टैंक वो अंदर गए थे ना, किधर है वो, अच्छा अंडरग्राउंड वाला कहाँ पर है वो, इधर से वो देखो वो बांस पड़ी ये ऊपर से गया तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखो दस, तो गाइस उस साइड देखो मिस्टर इंडियन है दिलराज भाई का स्टूडियो, वो देखो गाइस वो देखो, ये देखो यहाँ पर कितने सारे सब्सक्राइबर आ गए, ये देखो स्विमिंग पूल बनाया था यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई ने, और उनका स्टूडियो वो रहा सामने, और यहाँ पर देखो स्विमिंग पूल, यहाँ पर बांस की लकड़ियाँ इसके अंदर गए थे मिस्टर इंडियन हैकर, उन्होंने निकालते ना वो बांस वहाँ पे लगाए थे वो रहे। और ये मैं बताता हूँ, वो मिस्टर इंडियन भैया के साथ वो प्रैंक हुआ था ना कार वाला, तो मिस्टर इंडियन वहाँ से आए थे, हाँ मैं पिलर के पास छुप जाता, और वो देखो गाइस रॉकेट मिस्टर इंडियन हैकर छोड़ने वाला है, कभी पता नहीं कभी भी छोड़ सकता है, हमारे ऊपर धमाका कर सकते हैं। तो गाइस यार ये है असली टाइटेनियम आर्मी के लेवल का रॉकेट, जी हाँ गाइस, क्यों क्या क्या होता है यहाँ पर, भूत है कहाँ पर, किसने बोला, अच्छा यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर वीडियो बनाया हुआ है भूत वाला, हाँ कहाँ पर है, अच्छा वो, अरे आ जाओ यार इतना डरो मत, आ जाओ जो होगा देखा जाएगा। ये देखो मिस्टर इंडियन हैकर पीछे का व्यू स्टूडियो का, यहाँ पर कुआ है देखो गाइस, यहाँ पर इंडिया बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भूत वगैरह होते हैं, देखते यार कहाँ पर, यहाँ पर खड़ा था वहाँ पे कुछ दिखा मुझको, कब, बहुत 3-4 साल हो गए यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, क्या दिखता है, अरे आओ यार देखेंगे जो भी होगा देख लेंगे, आ जाओ तुम तो बस, चलो 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 चलो। पता है आप लोगों को मजाक लग सकता है कि बोले यूं ही है बोले ऐसे वीडियो बना रहे, लेकिन मजाक की बात नहीं, कसम खा के कह रहा हूँ, अरे आओ यार देखेंगे जो भी होगा देख लेंगे, आ जाओ तुम तो बस, बड़ी गलती करती है यार, अपन वापस चले, ये कुआ, अरे यार जो होगा देख लेंगे यार, क्या है कुएं के अंदर मेंढक है, ये देखो ऐसे ही डर रहे हो, ये कुआ क्या होता है, यहाँ पर भूत वगैरह होते हैं, किसने बोला ये तो इवनिंग हो गई है यहाँ पर, बारिश का मौसम भी है, अब मैं भी निकलता हूँ वापस घर पर गाइस, कभी और नेक्स्ट टाइम मिलूंगा मैं दिलराज भाई से, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।